हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 2.4 फॉर क्लास 9th. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर. अब हमें बताना है कि भाई हमें ये इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर पार्ट दिए हैं कि ये तो पी एक्स है हमारा और ये हमारा जी एक्स है. ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन का फैक्टर है या कौन सा फैक्टर है. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन, और हमें जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस में वन. तो जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे. जब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो x प्लस वन है तो ये जो प्लस वन है ये राइट साइड में जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस वन. इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे. देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी सरफेक्स में माइनस वन इजकल टू एक्स का क्यूब है तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस में वन. तो पी सरफेक्स में माइनस वन इजकल टू माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन. माइनस वन मल्टीप्लाई ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन और प्लस में वन. तो भाई वन और वन प्लस के टू हो जाएंगे और माइनस के टू हो जाएंगे, तो प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, जीरो. यानी कि पी सरफेक्स में माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जीरो आई. तो सिंस रिमाइंडर पी सरफेक्स में माइनस वन इजकल टू जीरो, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया. तो हेयर एक्स प्लस वन ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन. तो जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस दी थी एक्स प्लस वन उसका क्या होगा, फैक्टर होगा. फैक्टर कब होता है, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है. इसी के साथ हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है पी सरफेक्स में एक्स इजकल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन. तो पुटिंग एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, जब हम एक्स की वैल्यू वन एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस वन आ जाएगी. अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, पी सरफेक्स में माइनस वन इजकल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन और प्लस वन. अब इनको ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, माइनस वन की पावर फोर का मीन्स क्या होगा, प्लस वन होगा. माइनस वन की क्यूब का मीन्स क्या होगा, माइनस वन. माइनस वन का स्क्वायर मीन्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस वन और प्लस में वन. तो प्लस से ये माइनस कैंसिल, प्लस से ये वाला माइनस वन कैंसिल और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, वन बच जाएगा. तो सिंस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, पी सरफेक्स में माइनस वन इजगल टू वन आया, तो ये जीरो को इक्वल नहीं आया तो क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल टू जीरो. हेयर एक्स प्लस वन नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन. यानी कि जो एक्स प्लस वन होगा वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या नहीं आया हमारे पास, जीरो नहीं आया. तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी ये हो गई और इसका जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन. तो एक्स प्लस वन को क्या रखेंगे हम, जीरो के बराबर रखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस वन. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, एक्स इजकल टू माइनस वन पुट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, पी सरफेक्स में माइनस वन इजगल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री इंटू में माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू में माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन. तो भाई इनकी पावर्स को खोलेंगे तो माइनस वन की पावर फोर इवन नंबर है, इवन है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन. माइनस वन की पावर थ्री ओड है तो ओड है तो माइनस साइन रहेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री. माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हो जाएगा. ये माइनस वन और ये प्लस वन, इनको सोल्व कर लेंगे तो भी हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, पी सरफेक्स में माइनस वन इजकल टू वन बचेगा. तो सिंस रिमाइंडर पी माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी सरफेक्स में जो माइनस वन आया
ये हमारा किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो हैंस एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, ये आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस दी हुई है, इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस वन पुट करना है। माइनस वन पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पी सरफेक्स में माइनस वन इज इक्वल टू टू रूट टू आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो एक्स प्लस वन जो होगा वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का फैक्टर नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू।